हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और बच्चे तो अभी जागे नहीं। बच्चों को, बड़ों को, हमने तो अपनी खुद की भी बात बताई कि बड़ों को भी देर से जागने की आदत पड़ेगी। तो फिलहाल अभी प्रीति जागी थी और प्रीति ने तो झाड़ू और पोछा शुरू कर दिया। कपड़े वपड़े झाड़ गए, पोछा लगाना शुरू कर रखा, झाड़ू पहले कर दी थी और बच्चों के जागने से पहले ही खाली खाली जगह में छीद में हो जाओ, पोछा भी बढ़िया से। माँ जी शायद चाय बनाने जा रही, कैंपर में से पानी ले रही और पिताजी उधर गाय भैंस को नहला के बांधने लगे। और कल जैसा कि हमारे यहाँ बारिश हुई थी तो आज तो बारिश वाला मौसम है नहीं, आज तो धूप निकल आई सुबह सुबह। ताकि कल की बरसात का देखो गिल्ला अब तक है, पशु गिल्ले रेते पे बैठेंगे, मज़ा आओगे। वैसे गर्मी में ठंडी ज़मीन पर बैठेंगे तो बढ़िया लगेगा। और पशु ने हमारे आज ना घास में क्या खाया था, भूसा खाया था। देखो भूसे के ही अवशेष हैं, ये बचा हुआ भूसा है। वैसे तो हमने चेरी खरीद ली ज्वार, क्योंकि अब मौसम आ गया, ज्वार चलेगी अब तो 2-3 महीने तक। लेकिन कल जितनी बारिश थी ना तो ज्वार लाई नहीं गई। कल 2-3 बजे तक बारिश ही होती रही लगातार, उसके बाद बारिश रुकी भी तो खेतों में पानी भरा पड़ा होगा, तो कल नहीं लेने गए थे। यानी हरा चारा कुछ नहीं डाल लगाया पशुओं को, कल तो इन्होंने सूखा भूसा खाया। आज चाचा जी अभी गए हैं खेत में चेरी लेने, उनके साथ साथ मैं भी चलता हूँ, चेरी उठवा के लाऊंगा। उठवा के क्या, रेडे में लाद के लाऊंगे। लेकिन उससे पहले घर वालों ने थोड़ा सा काम दे दिया। देखो माँ जी कह रही दुकान पर चला जा, तेल ला के दे दिया। आज माताएं पूजनी है। पिछले बृहस्पति को तो हम गए थे कहाँ पे, खरड़ की माताएं पूजने गए थे फुल फैमिली। लेकिन आज गाँव में ही माता पूजेंगे, सोमवार का दिन है। माताएँ जो है सोमवार या बृहस्पति के दिन पूजी जाती है हमारे यहाँ इस महीने में। कौन से में? आषाढ़ में। आषाढ़ महीने में, शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष यानी कि चंदन चल रहा और माताएं पूजन जाना और कुछ सामान ला के देना। जैसे कि तेल, देखो हमारे खेत वेत तो है नहीं घर का तेल, फिर भी हम घर का ही निकला हुआ ज़्यादातर तेल यूज करते हैं। क्योंकि गांव में ना एक दो घर ऐसे हैं जो तेल बेचते हैं, जिनके घर पे सरसों होती है, तेल होता है, यूज तो वो करते नहीं। तो कुछ लोग घर का निकला हुआ तेल बेचते हैं। तो तेल लेके आऊँगा कम से कम 2 किलो इस डब्बे में। एक चीज़ और बता दी माँ जी ने कि तेल तो लाओ गई, सूजी भी लेता ही है, सूजी भी ले आऊँगा, शायद सूजी का हलवा बनेगा और पूड़े बना रहे हैं, मालपुए, ये सब पूजे जावे माताओं पर। खीर बनेगी, मालपुआ बनेगा, पूड़ी सब्जी बहुत सारी पकवान बनेगी, तब माताओं को पूजने जाएंगे। तो फिलहाल पहले सामान ला कर दे देता हूँ और उसके बाद चलूँगा खेत में। तो फ्रेंड्स, तेल और सूजी तो ला कर दे दी। और तेल जो लाया मैं इस पिलर वालों को तेल लाया, वैसे तो बताया उन्होंने कि घर का ही निकला हुआ घर की सरसों का शुद्ध तेल है। और चूल्हा जो सिलेंडर और चूल्हा जो ऊपर ले गए थे नहीं, पूरा भी ला के रखना पड़ेगा नीचे, तब जाके खाना बनना शुरू होगा। नीचे चला होगा चूल्हा, नीचे चला होगा चूल्हा, लीप दिया और खड़का होने लगा चूल्हे का ऊपर भी। भाभी होंगी, लेकर आऊँगी चूल्हा। तो फ्रेंड्स, गुस्से भी ला के रख दिए और आग से लगा ली इसी मिट्टी के चूल्हे में। थोड़ी देर जीना सी लगेगा तो जो गीला था ना ये अपने आप सूख जाएगा चूल्हा। चेरी लेके तो चाचा जी आ गए अकेले ही आज, तो मैं जाऊँगा कल लेने। घर का काम था बहुत सारा और थोड़ी सी खड़ी कर दी वहाँ, बाकी इस वजह से भी उतार कर उधर खड़ी कर देता हूँ। कौन सा शॉट बनाओगे बताओ तो? क्या आज बनाओगे हम लोगों को पूरा बताओ जो वो। आप ही बताओ पूरा, तो बता के दिखाओ, गा के दिखाइए। होगा हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी जानी। कौन सा बताइए? मेरे पे नहीं आता वो। अच्छा वो चला दो, वो सुना दो, चंदा ने पूछा तारों से। चल वेरी गुड, चलो तो तैयार हो लो ना के। तो फ्रेंड्स, बच्चों को नहला रहा था और चाचा जी का फ़ोन आया कि खेत में आ जा, घास कर लिया। सुबह चेरी लेकर आए थे, उसके बाद में घास की गठरी उठवा कर लाया खेत में। तो चाचा जी का फ़ोन आते ही ना मुझे इस तरह भागना पड़ा, जिस तरह किसी पढ़ने वाले लड़के का नौकरी का कॉल लेटर आ जाए वो भागे एकदम पढ़ाई वढ़ाई बीच में छोड़ कर। क्योंकि बुलत सार अगर ना पहुँचे तो चाचा को फिर आ जा गुस्सा। आराम होगा चाचा को कब होना, तो ऐसे भागना पड़े जो कर पढ़ने वाले लड़के से नौकरी का कॉल लेटर आ जाए कब भाग। इतनी जल्दी भागना पड़े, हम कर रहे हैं अपना वो छोड़ के बीच में तुरंत भागना पड़े, नहीं तो 2 मिनट मार ले फिर
तिरछी तिरछी सी निगाह से देखे भी अब बस इतनी देर इंतजार कर रहे। तो फ्रेंड्स खाना बनाते खाते और माता ही पूजी, पहले तो माता ही पूजी, माई पूजने का खाना बनाता पहले, और 12:30 बज गए हैं अभी। सारा काम निपटाने के टाइम तक बारिश फिर से आ गई, देखो बूंदाबांदी शुरू होगी। और क्या क्या काम रह रहा भाई? और काम रह रहा, बर्तन पड़े हैं बहुत सारे, खाना तो सबने खा लिया, अब बर्तन जिता गए बारिश, बर्तन तो बाहर की रसोई में तो धो सके थे बढ़िया से, यहाँ मारे तो भीग जाओगे तुम। तब तक कपड़े धो रहे, कपड़े बारिश में कपड़े भी कहाँ सूख जाएंगे, कभी तो रुकेगी, दो दिन के नहीं तो ऊपर के बरामदे में फैला देंगे, कपड़े रहेंगे सूखेंगे। दरअसल क्या हुआ, क्योंकि देखो जहाँ बर्तन धोए ना हमारे, वहाँ तो अभी हमने कुछ छाया करवाई नहीं, करवाओगे जरूर, धीरे धीरे करवाओगे सारा काम। कोशिश तो ये है रसोई ऊपर शिफ्ट कर दे, ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो बर्तन धोने की सहूलियत हो जाएगी, बर्तन सिंक में धोआ करेंगे, और बरामदा बड़ा है, बनाना खाना भी उसमें बढ़िया हो जाया करेगा, और वैसे भी सारे जक्कत बड़े ऊपर ही सोने लगे तो इन्हें फिर नीचे बार बार नीचे आवाज़ नहीं लगानी पड़ने की। दरअसल ना कल बारिश बहुत तेज थी, आज तो कुछ भी नहीं है, और कल कपड़े नहीं धुल पाए थे, कल के भी हो गए, अगर आज भी ना धोए तो ज़्यादा हो जाएंगे भाई, टिल्ला लग जाएगा फिर, गिल्ले कपड़े अगर रखे रहें तो स्मेल हो जाए। तो चलो कुछ मैं हेल्प कर दूंगा कपड़े धुलवाने में, थारी बस मैं भी करूंगी हेल्प, तू भी करेगी, ले ये उसमें घेर था, बारिश हो रही है, क्या कह रही नंद, देखो बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हाँ भाई बारिश नहीं हो रही है तो हल्की हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है ना। और भाई खिड़की में बैठ कर, नंदिनी तो भाई कमरे में अपने खिड़की में बैठ कर यहाँ से बारिश देख रही, धूप और बारिश आँख में चोली खेल रही, अभी अभी बारिश बंद हुई तो धूप निकल आई, सूर्य देवता कहाँ है भाई, बिल्कुल सिर पर आ रहे, दोपहर के 12:30 बज रहे तो सर पर ही आवेंगे। और बर्तन तो अभी छोड़ दिए क्योंकि बूंदाबांदी अभी है हल्की हल्की सी, लेकिन कपड़े धोने का काम शुरू होगा। अब कहाँ हैं कपड़े, बस यही हैं थोड़े से, थोड़े ही हैं, तो मशीन में भी हैं, हाँ बहुत हो रहे भाई ये तो, और भीतर भी पड़े होंगे बाथरूम में भी आज के, हाँ बच्चे ऊपर भी ना आए तो ऊपर भी होंगे, ऊपर वाले बाथरूम में भी होंगे कपड़े, तो बतरे हो गए ये तो, 2-3 गांड में धोएंगे मशीन में भी, हैं और हाथ से भी धोने पड़ेंगे, दिखे कुछ हाथ से धोएंगे कपड़े, प्रीति ने कुछ तो हाथ से धोने शुरू कर दिए और कुछ धो रहे हैं मशीन में, बाकी ये रह गए। और कपड़ों की और प्रीति की हिम्मत देख कर सूर्य देवता भी देखो कड़कते हुए निकल गए, धूप कैडी निकल गई, कपड़े भी सूख जाएंगे खैर, आज ऐसा ही हो रहा, कभी बादल आ जा, बारिश आ जा, कभी धूप निकल जा, चलो 2 घंटे की भी धूप लगी तो सारे कपड़े सूख जाएंगे सारे। देखो सारे धुल चुके हैं और कपड़े बहुत सारे हो रखे थे क्योंकि 2 दिन के सारे तार जो है सारे तार भर चुके हैं।
और अभी इन कपड़ों को ना फैलाने की जगह ढूंढ रही है। इधर मशीन साफ़ कर दी, फ्रेश साफ़ कर दिया है। तो जी सबसे बड़ी टेंशन होती है कपड़ों की, जब ये एक दो दिन के इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं, ये ना काबू में नहीं आ पाते थे। तो यही वजह थी, पहले तो सब घर वाले मना ही कर रहे थे कि मौसम ख़राब है, बारिश हो रही थी, लेकिन धूप देखो कितनी अच्छी तेज निकल चुकी है, तो कपड़े भी शाम तक सूख जाएंगे। अब करेंगे थोड़ा सा आराम और उसके बाद तब तक कपड़े सब सूख जाएंगे और फिर कपड़ों को संगवाएंगे। और ये देखिए नंदिनी कुछ तो अपने आप ही टैटू बनाती रहे अपने हाथ पे। आज चाचा जी को पेन दे दिया, मोर बना दो मेरे हाथ पे, मोर बनवा रही। देखो भाई कैसा मोर बनाया, मोर वाला टैटू ही तो बन रहा हो नंदिनी के हाथ पे। नंदिनी एक बार देख लो इसे, फिर अपने आप भी बना ले करेगी। देखो भाई कैसा मोर बन रहा, बढ़िया बन रहा नंदिनी। ए भाई बढ़िया मोर बन रहा ना, देखूं अच्छा बना भाई ये तो है। रख ले अपना पेन, कॉपी पर बनाना है तो जल्दी बना देगी, कॉपी पर मोर बना दिए, बना देगी इसे देख के हाथी बना बढ़ने का नहीं इस पर भाई, हाथी बना देगी।